कबीर कह के गए कि गावन हारा कदै न गावे, अन बोल्या नित गावे। नटवर पैखी पैखना पैखे, अनहद रैन बचावे। जो बोला गया और जो सुना गया, उस पर जो ललित ने कहा वो बेमिसाल और अद्भुत उन्होंने आख्यान कहा। मैं उस अन बोले के बारे में जिक्र कर रहा हूं जो 22 घंटा गुरुदेव मौन रहे। 22 घंटे के मौन के बाद और सुईदेव की आराधना के बाद जो पहली लाइनें झड़ती थी वो बिना मौन हुए संभव नहीं थी। और जब मौन बोलता है, जब अन बोला बोलता है, तो वो बोलने से बहुत बड़ा हो जाता है। उसका कैनवास आकाश से बड़ा हो जाता है। और कबीर कहते हैं कि नृत्य तो तब पूरा होता है जब नृत्य में नर्तक गायब हो जाए। मैं बहुत साल पहले से कबीर की इन पंक्तियों को बड़ा प्यार करता था, लेकिन किसी को कबीर की पंक्तियों पे जीते हुए मैंने देखा तो सचमुच बहुत आनंद आया। जो बातें उन्होंने इस 21 दिनों के दौरान हमें बतलाई, जिंदगी का शागिर्द होने के नाते हमेशा से ही अपने भीतर के स्टूडेंट वाले भाव के साथ रहने की आदत होने के कारण मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि इन 21 दिनों में जीवन ने जो सीखा, जीवन को जो हासिल हुआ, वो जैन होने के बावजूद बहुत सारा इसमें से कभी सीखने और जानने मिला ही नहीं। इतने करीब कोई हाथ पकड़कर मां की तरह, पिता की तरह महावीर तक ले गया, और हम महावीर के सम्मोषरण में जाकर उस दूसरे परकोटे में इतने आसानी से बैठ पाए, और 2 घंटा रोज 2 मिनटों की तरह हमसे होकर गुजर गया, जैसे महावीर वाणी उनसे होकर गुजर रही थी पोर पोर। मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, पर वो वैसी ही होती है जब सावन में झूम कर बारिश बरसती है और कोई अपने हिस्से का कुआं अपनी प्यास मिटाने के लिए अपना आंचल फैला देता है। मैं क्या उसको कैद कर सकता था। मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी मुझे नवाजे और वक्त मुझ पर मेहरबान हो कि मैं बार बार YouTube पर इस 21 दिन की साधना को सुनूं और अपने हिस्से का कुछ और पानी इकट्ठा करूं। देवियों और सज्जनों, आप सब जो यहां आए और आप सबने इतने भावपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों में से एक होगा। और एक ये वैसी चीज है जैसे कि शुद्ध घी होता है, जितना पुराना होता है उतना कीमती होता जाता है। ऐसे ही ये सुना हुआ, जितना हमने जान लिया, जितना हमने समझ लिया, लेकिन जो शेष रह गया वो हमारे अचेतन में छप चुका है, और ये छपा हुआ हमारे साथ सॉफ्टवेयर की तरह कैरी करेगा जन्म दर जन्म। कंप्यूटर ने बहुत आसान कर दिया आत्मा और परमात्मा को समझना। ये हमारी जो बॉडी है ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हार्डवेयर है, और जो कुछ हमने यहाँ रिसीव किया वो हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गया। ये जन्म जन्मों तक हमारे साथ चलेगा। जिस तरीके से गुरुदेव बोले, उसमें जो सबसे अद्भुत बात थी कि वो जहां से बोल रहे थे वो एक ऐसी जगह से बोलने की कोशिश कर रहे थे जहां जैन की कई परंपराएं, कई मान्यताएं, कई डिसिप्लिन के लोग तो छोड़िए, इस जमीन पर रहने वाला अगर कोई भी इंसान उसको दिल खोलकर ओपन हार्ट करके सुनता तो वो अपने हिस्से की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे टूल्स लेकर जाता जो टूल्स उसके रोज सुबह उठने से लेकर, घर से निकलने से लेकर, फैक्ट्री, दुकान, काम के दौरान लोगों से मिलते जुलते बात करते और फिर लौट कर वापस घर आते और घर के अंदर घुसते और फिर पत्नी बच्चों से मिलते और रात नींद में जाते वक्त कदम कदम पर ये चीजें एक छोटी छोटी गैजेट्स की तरह जिंदगी में काम आने वाली बातें उन्होंने सिखाने की कोशिश की। गुरुदेव, एक बार तो आँख खोलिए, आप बंद करके सुन रहे हैं और आपकी आंखों पर मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप आंखें खोलिए। बोलते बोलते जब कोई बहुत वजनी और कीमती लाइन उनसे होकर गुजरनी चाहती थी
तब शब्द और आवाज बहुत छोटे हो जाते थे और उनकी आंखें बहुत कुछ अन्न बोला बोल जाती थी। कि आपने बहुत से ऐसे जीवन के सूत्र दिए और उन सूत्रों को इन्हीं 21 दिनों में आजमा कर भी जब हमने जीने की कोशिश की तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी पहले से ज़्यादा आसान, पहले से ज़्यादा संगीत से भरी हुई, पहले से ज़्यादा नृत्य में रमी हुई, पहले से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर हम जीने में सफल हो पाए। जानना तो बहुत आसान है, समझना उससे थोड़ा मुश्किल है और जीना शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा मुझको, आपको और हम सबको सद्बुद्धि दे कि जो हमने जाना, जो बड़ी गंभीरता से हमने समझा, वो हम सबके जीने में आए। हम यहाँ बैठे सब लोगों की तरफ से बहुत मंगल कामना करते हैं, आपकी तपस्या की, आपके ज्ञान की बहुत अनुमोदना करते हैं और हम सबके हृदय की ये मंगल कामना है कि आप ऐसे ही ये जो भगवान महावीर के ज्ञान का आलोक है, क्योंकि महावीर अभी तक भी पहली है दुनिया के लिए, तो छोड़िए जैनों के लिए पहली है। हमने महावीर को पूजा बहुत, महावीर को हमने जाना नहीं। और एक काम बहुत अद्भुत जो आपने किया है कि आपने जो कहा वो खो जाएगा, जो लिखी गई किताबें वो भी समय काल बदलते हुए जला दी जाती है। इस देश में 1.5 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी लोगों ने आकर जला दी और बहुत सारा ज्ञान चला गया, लेकिन गुरुदेव ने समय की नजाकत को पहचान कर ये सब वहां रिकॉर्ड कर दिया है जिसे ना कोई जला सकेगा और ना कोई मिटा सकेगा। आने वाली जनरेशन और पूरी दुनिया जब कभी भी जैनिज्म को जानना चाहेगी, यूट्यूब के सर्वर पर वो सब कुछ हमेशा मौजूद रहेगा। और जो हमारी आने वाली जनरेशन, जो अभी क्योंकि उनको कभी कुछ बताया ही नहीं गया, कुछ खोल कर दिखाया नहीं गया, तो वो जैनिज्म से जो दूर जा रही है, इस तरह की बातें, यूजर फ्रेंडली लाइफ को आसान करने वाली बातें हमेशा इस वेव पर, इस सर्वर पर मौजूद रहेगी, जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी इनायत होगी।